फ्रेस अलॉट हले लोहिया प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता और आप परमेश्वर से उत्तम आशीषों को हासिल करते हैं आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे ये सामर्थ्य वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु ऑफ सफ जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने आज का वचन आप पर आपकी महिमा कौन प्रकट करता है पवित्र वचन में पहला कुरंथियो दो अध्याय उसके नौ वचन में लिखा है परंतु जैसा लिखा है जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है मेरे अमेरिका में ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनकी जिंदगी में परमेश्वर की महिमा ये थी कि ये अपने बिजनेस को ऊंचे स्तर पर लेकर जाएं और अपने बिजनेस से परमेश्वर की सेवा करें सुसमाचार प्रचार में मदद करे ने हर एक व्यक्ति ने ना सुनी और ना उसने देखी और ना उसके में चढ़ी एक महिमा शैतान ने भी मनुष्य के लिए रखी है जब यीशु मसीह परीक्षा में थे तब शैतान ने यीशु मसीह से कहा अगर तू झुक कर मुझे प्रणाम करे तो तुझे क्रूस उठाने की जरूरत नहीं है इतना काम करने की जरूरत नहीं है मैं तुझे वैसे ही सब कुछ दे दूंगा एक है शैतान के द्वारा आशीष का मिलना इंस्टाग्राम पर दस मिलियन फॉलोअर्स होने के बावजूद भी आत्महत्या कर लेना क्योंकि वह जो आशीष होती है वह परमेश्वर की ओर से नहीं होती पवित्र वचन कहता है जब यह परमेश्वर आपको सुख देता है तो वह सुख के साथ दुख नहीं मिलाता जब यह आपको आशीष देता है पैसा देता है वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता इसका मतलब एक महिमा एक आशीष ऐसी है जो परमेश्वर ने आप लोगों के लिए रखी हुई है वह सिर्फ प्रेरितों या सेवकों के लिए नहीं रखी या सिर्फ अच्छे विश्वासी के लिए नहीं रखी परमेश्वर ने वह आशीष सभी व्यक्ति के लिए रखी हुई है जिस तरह पत्रस को ईशो मसीह ने कहा पत्रस तू मुझे क्या कहता है उसने कहा तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है फिर यीशु मसीह ने पत्र से कहा यह बात तुझ पर लघु और ने नहीं परंतु परमेश्वर की आत्मा ने प्रकट की है एक बात यह भी है कि कुछ बातें पवित्र बाइबल में प्रकट की गई है और दूसरा यह है कि जब परमेश्वर का आत्मा आप पर व्यक्तिगत रूप से प्रकट करता है जो आपकी जिंदगी के साथ और आपकी महिमा के साथ जुड़ा हुआ है मेरे प्रियो, जब मैं 2004 और 2005 में चल रहा था तो मुझे ये बात पता थी कि आने वाले दिनों में मेरे पास एक चर्च होगी और लोग मुझे टीवी पर देखा करेंगे जब 2007 में मेरी सेवकाई की शुरुआत हुई तो टेंट चर्च से शुरुआत हुई तब कहीं भी टेंट चर्च नहीं लगती थी तो लोग बोलते थे ये भी कोई चर्च है ये टेंट लगा हुआ चर्च कुछ समय के लिए है ये तो जल्दी ही बंद हो जाएगा लोगों के हिसाब से तो टेंट लगा हुआ चर्च चर्च ही नहीं था लेकिन परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा प्रकट किया था कि बिल्डिंग नहीं बनानी पहले तुझे टेंट लगाकर मीटिंग करनी है वह महिमा थी जो परमेश्वर ने मुझे दी कैसे दी अपनी आत्मा के द्वारा आज उसी खामरा चर्च की महिमा होती है इस चर्च को लोग मानते हैं कि परमेश्वर का, का काम इन्होंने किया है चर्च की शुरुआत कैसे हुई जो किसी मनुष्य ने नहीं सुना था जो कभी किसी ने नहीं देखा था और ना किसी मनुष्य के चित्त में चढ़ा था कि टेंट में बारिश आएगी तो क्या करेंगे सर्दी होगी तो क्या करेंगे ज्यादा गर्मी होगी तो क्या करेंगे परंतु आज सबसे बड़ी यही चर्च है लोग गर्मी में सर्दी में बारिश में भी आते हैं कारण क्या है कारण ये है कि वह मेरी महिमा थी और वह मुझे कैसे मिली वह मुझे परमेश्वर की आत्मा के साथ संबंध बनाने से मिली मेरे प्रियो जब आप परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी उपस्थिति में अपना समय व्यतीत करेंगे और उसकी आत्मा के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर आप पर भी अपनी महिमा को अपनी आत्मा को प्रकट करेगा मेरे प्रियो अभी आप जैसे इन पवित्र वचनों को सुन रहे थे तो इन पवित्र वचनों के अनुसार आइए अब हम इस प्रार्थना को करें सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आप मुझ पर अपनी आत्मा के द्वारा मेरी महिमा को और मेरी आशीषों को प्रकट कीजिए ताकि मैं आपकी आत्मा से जुड़ सकूं और उस महिमा को पा सकूं आप मुझे अनुग्रह दें प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुताय से आशीषित करे सबको चैमसी की